दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्लैटिना 125 ABS के डिसकंटिन्यू होने की वजह के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जस्ट 2 से 3 महीना पहले ही बजाज की तरफ से अनाउंस किया गया था कि वो दुनिया की सबसे कम CC की बाइक में ABS देने वाले हैं और उन्होंने अपने इस कीर्तिमान को पूरा भी किया था। लेकिन लोगों की नासमझी की वजह से, उनकी अज्ञानता की वजह से प्लैटिना की 110 सीरीज़ में ABS आने के बाद भी उसे डिसकंटिन्यू करना पड़ गया, हटाना पड़ गया। और उसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी सी थी कि वो जिस कैटेगरी के कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो यहाँ पर आपको देखे होंगे कि ज़्यादातर ये बाइक आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा यूज़ में आती है, कॉमर्शियल बंदे ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर जिन्हें सिर्फ और सिर्फ फ्यूल इकोनॉमी से मतलब होता है, उन्हीं के लिए ही ये बाइक ज़्यादातर फोकस करके बनाई गई थी। क्योंकि यहाँ पर जो वेट है वो बहुत कम है, 110 सीसी और 100 सीसी में आया करती, तो जो इसका माइलेज था वो भी कहीं ज़्यादा बेहतर है अदर कंपनियों से, और इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से इसी बाइक में उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं 110 ABS बना करके लॉन्च करूं और लोगों के अंदर एक जिज्ञासा बनाऊं कि ABS एक ऐसी तकनीक है जिसके थ्रू आप किसी बड़े हादसे को बचा सकते हैं, चाहे वो गिट्टी पर हो, चाहे वो मिट्टी पर हो, चाहे वो पानी हो, कीचड़ हो, कुछ भी हो, आप एक बार फ्रंट ब्रेक मारने के बाद स्लीप होने से बच सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों ने इस बात को कहते हुए नकार दिया कि यार इस बाइक में उतनी स्पीड ही नहीं है कि इस बाइक में कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट हो जहां पर ABS की ज़रूरत पड़े। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो 8 से 10 की स्पीड पर होने पर ही ABS ऑन हो जाता है, और सभी कंपनियों में, मैं सिर्फ बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, कारों में भी और अदर कंपनियों में भी मैं बात कर रहा हूँ, उन सभी में आपको 8 से 10 या किसी किसी में 20 से 22 की स्पीड पर ही ABS ऑन हो जाता है। तो कंपनी खुद मानती है कि इस स्पीड पर होने के बाद आपको ABS की ज़रूरत है, तो क्यों नहीं लोगों के दिमाग में ये बात फिट हो पाई टाइम पर कि यार ABS की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं ABS होने से एक्सीडेंट के बचाव हो सकते हैं। लेकिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस बात को कहते हुए नकार दिया कि फालतू की एक टिटम्मा दे करके 3 से 5 हज़ार रुपये ज़्यादा ऐटने की कोशिश की जा रही है, जिसका कोई फ़ायदा हमें नहीं होने वाला है। आप भी इस बात को काफ़ी समय से नोटिस करते होंगे कि मारुति की गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी में ख़राब होने के बाद भी सबसे ज़्यादा सेल लेकर के आती है इंडिया के अंदर, जबकि अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको केवल और केवल माइलेज थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है अदर कंपनियों की कारों से, लेकिन मारुति फिर भी इतनी सड़ी हुई बिल्ड क्वालिटी के बाद भी सबसे ज़्यादा सेल लेकर के आती है, क्योंकि लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं कौन सा भगाने वाला हूँ 500-400 की स्पीड पर, कहाँ मैं इसे लड़ाने वाला हूँ, कहाँ मेरा एक्सीडेंट ही होने वाला है, मुझे तो केवल 1 लीटर तेल में ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज ही चाहिए, तो मैं एक ऐसी ही कार ले लेता हूँ जहाँ पर मुझे केवल माइलेज मिल जाए, मुझे एयरबैग और EBD जैसे सिस्टम से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो वही वाला कॉन्सेप्ट हमारे 110 ABS के ऊपर भी पड़ गया और लोगों ने इस बात को सीरियसली नकार दिया कि मुझे 110 में ABS नहीं चाहिए, मुझे भाई रेगुलर वाली प्लैटिना दे दो जिसका प्राइस 3 से 5 हज़ार रुपये कम है। सीरियसली केवल 3 से 5 हज़ार रुपये का अंतर हो रहा था और आपको एक ऐसी बाइक मिल जा रही थी जो कि पूरी दुनिया में शायद 110 सीसी में सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती थी ब्रेकिंग के मामले में। प्लैटिना में ABS आने के बाद मुझे एक बार तो लगा था कि अब लगभग सभी कंपनियों की 125 सीसी की बाइकों में आपको ABS मिल जाएगा, लेकिन इतना बुरी तरीके से फ्लॉप होने की वजह से आपको अब कभी भी 125 सीसी की अदर किसी बाइक में शायद ABS ना ही मिले। मिलेगी लेकिन जो प्राइस होंगे वो 1,10,000 से 20,000 रुपये चला जाएगा, जो कि प्लैटिना आपको 80,000 से 90,000 रुपये के अंदर ही प्रोवाइड करवा रहा था। खैर अगर दोबारा कोई कंपनी ऐसा कुछ करने की कोशिश करती है तो प्लीज़ यार उस कंपनी को सपोर्ट करना, उसकी ABS की उस बाइक को लेने की कोशिश करना प्लीज़, ये आपकी जान और माल को दोनों को बचाता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग से वीडियो में, तब तक यार ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।